हेलो एवरीवन, हमने एचआरएम जो टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था उसका ही एक अलग से टॉपिक है। मतलब अलग से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से रिलेटेड। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, क्या सब्जेक्ट मैटर है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग का। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो क्योंकि हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड ही जो हम फंक्शंस परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली मैन पावर से रिलेटेड है। तो क्या सब्जेक्ट मैटर इसका हो सकता है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर, सेकेंड सोर्सेज ऑफ मैन पावर, थर्ड वन इज इवेल्युएशन ऑफ मैन पावर। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हम एस्टिमेट करेंगे कि कितने मैन पावर की रिक्वायरमेंट है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी मैन पावर की नीड है, इसका एस्टिमेशन करेंगे। देन कहाँ से हम उनको ले सकते हैं, क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं, ये देखेंगे। फिर हम उनके इवेल्युएशन करेंगे कि हमने जो रिक्रूटमेंट करी है क्या वो सही है या नहीं है, यानी कि इवेल्युएशन करेंगे। ये सब्जेक्ट मैटर होता है एचआर प्लानिंग का। अब क्या फीचर्स हो सकते हैं एचआर प्लानिंग के, वो देखते हैं। फीचर्स ऑफ एचआर प्लानिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमिनेशन ऑफ नीड, नंबर एंड टाइप्स ऑफ मैन पावर, यानी कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में मैन पावर की कितनी नीड है, कितने नंबर्स की और किस तरह की, कितने टाइप्स की नीड है। सेकेंड वन इज डिटरमिनेशन ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट, कि कितनी रिक्वायरमेंट है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की। थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि हमें कितने डिमांड थी और कितनी सप्लाई हो गई है, हमने कहीं रिक्रूटमेंट ज्यादा तो नहीं कर लिया है, ये देखेंगे, उनके बीच कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। करेक्टरिस्टिक्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज फंक्शंस, रिडक्शन इन कॉस्ट्स, ये कुछ फीचर्स होते हैं एचआर प्लानिंग के। अब हम पढ़ेंगे क्यों इतनी इम्पोर्टेंस है इसकी एचआर प्लानिंग की हमारे डिपार्टमेंट में, तो ये देखते हैं। हेल्पफुल इन कंट्रोल, फर्स्ट जो है वो यही है कि ये कंट्रोल करने में हमारी हेल्प करती है एचआर प्लानिंग। सेकंड वन इज हेल्पफुल इन एस्टेब्लिशिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन बना के रखना है उसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। इनकरेजमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, डेवलपिंग इंसेंटिव, इंसेंटिव का मतलब कि हमें रिवॉर्ड्स देने हैं कि अगर इम्प्लॉयज अच्छा काम करते हैं तो किस बेसिस पे उन्हें कितने रिवॉर्ड्स दिए जाएं, ये भी देखना। बेस ऑफ करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव एक्शन का मतलब पहले हम कुछ स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं फिर हम मेजर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को, अगर कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ वेरियंस आते हैं, उनको कवर करने के लिए जो मेजर्स लेते हैं उसे बोलते हैं करेक्टिव एक्शन। इसके लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। इफेक्टिव इवेल्युएशन, अवेलेबिलिटी ऑफ इफेक्टिव एम्प्लॉयज इन ऑर्गेनाइजेशन, कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं वो इफेक्टिव हो, उनकी अवेलेबिलिटी इफेक्टिव हो, ये देखने के लिए भी इम्पोर्टेंट। लाइक प्रोडक्ट प्लानिंग, यानी कि जितनी प्रोडक्ट प्लानिंग इम्पोर्टेंट है उतनी ही हमारी एचआर प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिंपल सी बात है कि अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एचआर प्लानिंग अच्छे से हुई है तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को तो प्रॉफिट होने ही वाला है, इसीलिए इम्पोर्टेंस है एचआर प्लानिंग की। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि क्यों नीड होती है हमें एचआर प्लानिंग की, वही इम्पोर्टेंस से मिलते जुलते ही पॉइंट होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एस्टिमेशन ऑफ मैन पावर रिक्वायरमेंट, कि हमें कितनी मैन पावर चाहिए, इसके लिए भी हमें एचआर प्लानिंग करनी पड़ती है। इफेक्टिव मैन पावर मैनेजमेंट, इफेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसी, नेसेसरी फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन लेवल, डिक्रीज इन लेबर कॉस्ट, फ्रीडम फ्रॉम प्रॉब्लम ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट और ओवर एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अगर हमने अच्छे से प्लानिंग करी हुई है तो ना तो हमारे पास रिक्रूटमेंट ज्यादा होगी और ना कम होगी, जिससे ना तो अंडर एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आएगी और ना ही ओवर एम्प्लॉयमेंट की। इसके बाद जो टॉपिक है वो है प्रोसेस ऑफ एचआर प्लानिंग का, कि एचआर प्लानिंग जो करते हैं किस प्रोसेस पे करी जाती है, सबसे पहले कौन सा स्टेप होता है, फिर कौन सा स्टेप होता है, तो इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, डिटरमिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि हमारा गोल क्या है। देन नॉलेज ऑफ करंट ह्यूमन रिसोर्सेज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी कितने हैं, यानी कि करंट में हमारे पास कितने ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, इसकी नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड वन इज एस्टिमेशन ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, कि और कितने की रिक्वायरमेंट है, अभी कितने हैं। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि फ्यूचर में हमारे पास कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है। फोर्थ वन इज एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू जॉब, कि क्या हमारी एक्सपेक्टेशंस है, हमें किस तरह की जॉब करवानी है, ये डिसाइड करेंगे। फिफ्थ वन इज
फॉर्मेशन ऑफ प्लान्स रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट, हम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो प्लान्स है उसकी फॉर्मेशन करेंगे। सिक्स वन इज डिटरमिनेशन ऑफ प्रोग्राम्स रिलेटेड टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो प्रोग्राम्स है उसको डिटरमाइन करेंगे। सेवन्थ वन इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, देन हमने प्लान जो बना लिया उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कर ली, सेवन्थ स्टेप में उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, एट्थ स्टेप में हम उसका इवेल्युएशन करेंगे। एट्थ स्टेप इज द इवेल्युएशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, कि हमने ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग कैसी करी है, इसको इवेल्युएट करेंगे, इसको चेक करेंगे। ये था प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है इफेक्टिव एचआर प्लानिंग, कि एचआर प्लानिंग अच्छे से इफेक्टिव हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, क्या एसेंशियल्स है एक साउंड एचआर प्लानिंग की। ये क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आ सकता है। फर्स्ट वन, क्या ऑब्जेक्टिव्स, कि वो ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड हो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसी से रिलेटेड हो, उससे अलग ना हो। सेकंड, क्या कोऑर्डिनेशन, अलग जो दूसरे डिपार्टमेंट है एचआर डिपार्टमेंट को उनसे भी कोऑर्डिनेशन बनाकर चलना पड़ता है। थर्ड क्या है, टॉप मैनेजमेंट सपोर्ट, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है, अगर वो ही इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो हम एचआर प्लानिंग को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाएंगे। कंप्लीट होनी चाहिए, मतलब हर एस्पेक्ट्स को कवर करे। इंटीग्रल पार्ट, ये इंटीग्रल पार्ट होता है, यानी कि इस हर एक पार्ट से जुड़ी होती है, हर एक एस्पेक्ट से, हर एक डिपार्टमेंट से ये जुड़ी होती है एचआर प्लानिंग। वेल कन्वर्सेंट का मतलब हर किसी से कम्युनिकेट हो, इसका कम्युनिकेशन हर एक डिपार्टमेंट पर होना चाहिए और हर एक एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि एचआर प्लानिंग क्या है और किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक है कि मेथड्स या फिर टाइप्स बोल सकते हैं एचआर प्लानिंग के, वो कितने तरह की हो सकती है। तीन तरह की हो सकती है अगर हम कहें, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में दो मेथड और बताए गए हैं, ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, की ट्रेनिंग के थ्रू और प्रमोशन के थ्रू हम एचआर प्लानिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेन वो यही है कि क्या चैलेंजेस या क्या प्रॉब्लम्स आती है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करने में, यानी एचआर प्लानिंग करने में क्या क्या चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ सकते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्यूरेसी, कि हमारी जो प्लानिंग हमने करी है क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, इसकी प्रॉब्लम। अनसर्टेनिटी, क्योंकि फ्यूचर के लिए बनाई जाती है एचआर प्लानिंग तो फ्यूचर अनसर्टेन है, ये भी एक प्रॉब्लम है। कोऑपरेशन लैक, क्योंकि हमें टॉप मैनेजमेंट से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम अच्छे से ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट डेटा, कि हमारे पास जो डेटा है वही सही से अच्छे से हमारे पास कवर नहीं हुआ है, हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है डेटा की, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। एक्सपेंसिव प्रोसीजर है, लॉन्ग प्रोसेस है, इसके अंदर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। एंड इनसफिशिएंट इनिशियल एफर्ट्स, जो शुरू में हमने एफर्ट्स लिए वही हमारे इनसफिशिएंट है, उससे आगे चलकर भी जो प्लानिंग बनेगी वो साउंड प्लानिंग नहीं होगी। ये कुछ चैलेंजेस है एचआर प्लानिंग के। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एचआर प्लानिंग, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एचआर प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज एनवायरमेंटल सर्टेनिटीज, की एनवायरमेंट हमारा अफेक्ट करता है, टाइम ओरिजिन की शॉर्ट टर्म है, मीडियम टर्म है या किस टाइम में हम बना रहे हैं, ये सब। आउटसोर्सिंग की हमारी क्या जो फैसिलिटीज हैं वो देखेंगे। नेचर ऑफ जॉब्स फिल, किस तरह की हमने जॉब्स को फिल करवाना है एचआर प्लानिंग में, ये फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, किस तरह की हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, क्या वो एक्यूरेट है या नहीं है, उसकी क्वालिटी कैसी है। टाइप एंड स्ट्रेटेजी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, की ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी क्या है, ये बात भी। ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ साइकिल, की ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ साइकिल कौन से फेज में है, ये बात भी, और उसकी प्लानिंग भी हमें इफेक्ट करती है एचआर प्लानिंग को। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआर प्लानिंग, कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं एचआर प्लानिंग के। मेनली तीन बोले गए हैं कि टू डील विद चेंजेस, चेंजेस के साथ डील करना, इसीलिए हम प्लानिंग करते हैं। टू फोरकास्ट पर्सनल रिक्वायरमेंट, ऑब्वियसली कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है पर्सनल की, इसकी फोरकास्ट करना। टू यूटिलाइज द एक्जिस्टिंग रिसोर्स मोर ज्यूडिशियली, ज्यूडिशियली का मतलब ऑप्टिमम उनका यूटिलाइजेशन कर सके हम अच्छे तरीके से, जिससे कि हमारी कॉस्ट भी कम आए, यानी कि अच्छे दिमाग से हम उनको यूज कर सके।
नेक्स्ट टॉपिक जो छोटा सा टॉपिक ये बन सकता है कि लेवल्स एट विच एचआर प्लानिंग इज डन, कि कौन कौन से लेवल है जिस पर एचआर प्लानिंग करी जाती है। तो इसको हम फोर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, नेशनल लेवल पर, सेक्टर लेवल पर, इंडस्ट्रियल लेवल पर, या फिर इंडस्ट्री के अंदर जो डिपार्टमेंट है, यूनिट, एक यूनिट के अंदर कितने डिपार्टमेंट है, कितनी जॉब्स है, उस लेवल पर हमें एचआर प्लानिंग करनी पड़ती है। ये हमने इस वीडियो में एचआर प्लानिंग को अच्छे से कवर कर लिया है, लेकिन एचआरएम से रिलेटेड कुछ बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। उनको देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।